हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे मारवाड़ी आम का अचार, जो बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा और बहुत ही जल्दी ये बन के रेडी भी हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते हैं और ये झटपट बन के रेडी भी हो जाता है। तो आज इसको हम कुछ अलग तरीके अलग मसालों से बनाएंगे। वैसे ट्रेडिशनल जो अचार बनता है उसमें बेसिक मसाले जो जाते हैं सभी लोग जानते होंगे। इसको देखिए मारवाड़ी कैसे बनता है अचार, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तेल हमें जो गरम करके लेना है, तो सबसे पहले हम तेल को, एक कप तेल को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको तब तक गरम करेंगे जब तक इसमें धुआं सा न निकलने लगे। और जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा गैस को हम ऑफ कर देंगे। तो तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें धुआं भी निकलने लगा है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक चम्मच हम हींग डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें हींग डालेंगे और गैस बंद करके ही हमें हींग डालना है, गैस जलने में नहीं डालना है, क्योंकि हींग बहुत जल्दी से भुन जाती है, तो इसी गर्म तेल में अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, 2 चम्मच इसमें हम मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अचार जब भी हम बनाते हैं तो पहले से हमें मसालों को अच्छे से देख लेना होता है कि गंदे तो नहीं है, इनको साफ़ करके तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और पहले हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, बाकी चीज़ें अब डालेंगे। अब यहाँ पे हम 15 से 20 काली मिर्च डालेंगे। ये मारवाड़ी अचार है इसलिए थोड़ा मसाला चेंज है। 5 से 6 इसमें लौंग जाएगी। 2 चम्मच हम सौंफ डालेंगे और सबको अच्छे से पहले रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर लो रखी है हमने, हाई फ्लेम पे करेंगे तो जल्दी से मसाले जल जाएंगे, इसलिए लो फ्लेम पे इसको हम रोस्ट कर लेंगे। और ये बहुत जल्दी 2-3 मिनट में रोस्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने 1/2 कप राई ली है। अगर आपके पास काली वाली राई हो तो वो ले लें, ना हो तो पीली वाली राई, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। तो इसको हमने पहले ग्राइंडर में दरदरा कर लिया था, उसके बाद हमने इसको साफ़ करके ले लिया है राई को। तो इसको भी हम 1 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है इसलिए इसको हमने लास्ट में डाला है। तो सारे मसालों की खुशबू अच्छे से आ रही है, अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, गैस यहाँ पर हमने बंद कर दी है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। इसको हमने ठंडा कर लिया है और ठंडा होने के बाद सबसे पहले इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करेंगे लेकिन इसका पाउडर नहीं बनाएंगे, दरदरा रखेंगे। पाउडर से बनाने से अचार अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे तो अचार खाने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमने दरदरा मसाला पीस लिया है, पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाया इसका। चलिए इसको पास से दिखाते हैं हम। तो ये देखिए दरदरा मसाला बन के रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर मैंगो ले लिए थे, इनको हमने कट करके धुल के 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था और इनका पूरी तरह से पानी सूख गया है। अब हमने इनको ले लिया है, अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो जो हमने दरदरा मसाला रेडी किया था वो इसमें हम ऊपर से डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। यहाँ पर हमने लाल मिर्च 2 तरह की ली है, ये हमने कुटी लाल मिर्च ली है 1 चम्मच, इसको भी इसी में डाल देंगे। 2 चम्मच नमक डालेंगे, अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है और नमक से अचार ख़राब भी नहीं होता जल्दी। 1 चम्मच हम कलौंजी डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें हींग डालेंगे। हींग पहले भी हमने तेल में डाल रखा है, हींग का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मारवाड़ी अचार में, इसलिए हींग थोड़ा ज़्यादा ही जाती है। और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। और सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे मसाले में। अभी इसमें ऑयल हमने नहीं डाला है, पहले मसाले मिक्स करेंगे फिर इसके बाद हम डालेंगे। तो जो हमने तेल बना के रखा था हींग वाला, तो आधा तेल अभी हम इसमें डाल देंगे, आधा तेल अभी हम बचा लेंगे। तो आधा तेल डाल के पहले मिक्स करेंगे अचार को।
ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें और बहुत ही इजली ये बन के रेडी भी हो जाता है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है मसाले में। हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो तेल हो या जो आपको अच्छा लगता हो वो इसमें इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर एक हमने सूखा जार ले लिया है, जो भी जार लें ध्यान रखें कि बिल्कुल भी सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, नहीं अचार ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम अचार बनाएंगे और सूखा जार लेंगे तो एक साल तक अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है, आराम से बना के रख लीजिए एक साल तक। तो इसको हम ऊपर तक भर देंगे, थोड़ा सा खाली रखेंगे क्योंकि ऊपर से अभी ऑयल डालेंगे, जो ऑयल बचा हुआ था इसीलिए हमने तेल बचा लिया था हींग वाला, क्योंकि अलग से तेल हमें नहीं डालना है। तो जो बचा हुआ तेल था वो भी हम ऊपर से डाल देंगे। इस अचार में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये लीजिए अचार तो बनके रेडी हो गया। अगर आप सबको ये मारवाड़ी अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर इस रेसिपी के बारे में कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये आसान सी रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है, कोई भी इसको आसानी से बना लेगा और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। चटपटा अचार बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।